Assalamu alaikum, this is your instructor Umar Naeem and welcome back to our YouTube channel The Coding World। आज हमारा पहला लेक्चर है वेब डेवलपमेंट कोर्स का। सो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर किस तरह वर्क करती है। सो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि हर पॉइंट के अंदर कोई ना कोई नई बात आपको सीखने को मिलेगी। सो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि वेबसाइट क्या होती है और वो किस तरह वर्क करती है, देन क्लाइंट और सर्वर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम आईपी एड्रेस को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ टिप्स और रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होंगी और तभी आप इस कोर्स के अंदर वेल परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर वन रिक्वायरमेंट इज आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए विद इंटरनेट। इस कोर्स के लिए टिप ये है कि आपने जो भी मेरा लेक्चर सुनना है उस लेक्चर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों आपने वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछने, और उसके ऊपर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। क्लियर। सेकंड वन टिप इज नेवर स्किप द वीडियो एंड कोड विद मी। आपने मेरे किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करना और जिस लेक्चर में मैं प्रोग्राम को राइट करूंगा कोड करूंगा आपने मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं पहले देख लेता हूँ और बाद में इसको प्रैक्टिस कर लूंगा। एट द लास्ट सबसे मेन टिप कंसिस्टेंसी। आपने कंसिस्टेंसी के साथ इस कोर्स को सीखना, कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस कोर्स में जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप 10 मिनट रोजाना दें लेकिन आपने प्रैक्टिस रोजाना करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ आप इस कोर्स को इजीली सीख सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फुलफिल करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, वो चाहे ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, ई कॉमर्स हो या आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, आप इन सब किस्म की वेबसाइट को बना सकते हैं। और वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज क्वेश्चंस होते हैं और साथ में जो प्लेसमेंट्स होती हैं आप उनके क्वेश्चंस इजीली क्लियर कर सकेंगे। नाउ वी डिस्कस दैट व्हाट इज अ वेबसाइट। इन शॉर्ट वेबसाइट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसको हम इंटरनेट के ऊपर होस्ट करते हैं, और वो वेबसाइट इंटरनेशनली पूरी दुनिया के ऊपर हर कोई यूजर एक्सेस करके उसकी सर्विसेज से फायदा ले सकता है। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो प्रोडक्ट बाय सेल कर सकता है, अगर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो वो उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकता है, अगर कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो हम यूजर को अपनी स्किल दिखा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वेब पेजेस। वेब पेजेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑडियोज वीडियोज लिंक्स एंड टेक्स्ट। यानी कि एक वेबसाइट वेब पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करती है, और वो जो वेब पेजेस होते हैं वो ऑडियोज वीडियोज इमेजेस टेक्स्ट के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। क्लियर। नाउ वी डिस्कस दैट हाउ वेबसाइट्स आर वर्किंग। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लाइंट सर्वर ISP और ब्राउजर के बारे में बताना चाहूँगा। सो बेसिकली क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जिसकी मदद से यूजर वेबसाइट को एक्सेस करता है सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजकर। उसके बाद अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट होस्ट होती है, मीन के हमारी वेबसाइट उस सर्वर के अंदर स्टोर होती है। दुनिया का हर इंसान उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। क्लियर। जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो सबसे पहले क्लाइंट के जरिए सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है example.com। अब ब्राउजर के जरिए क्लाइंट ने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे example.com वेबसाइट चाहिए। अब example.com वेबसाइट सर्वर के ऊपर मौजूद है, लेकिन सर्वर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं और हर वेबसाइट का स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। क्लियर। आईपी एड्रेस स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिक एड्रेस होता है हर वेबसाइट का। क्लियर। example.com यूजर ने अपने ब्राउजर पर टाइप किया जो कि सर्वर पर इसका एड्रेस है 192.0.2.1। क्लियर। सो सर्वर को ये बताने के लिए कि example.com बेसिकली 192.0.2.1 है, हम ISP को यूज़ करते हैं। ISP के पास है DNS। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। अब DNS example.com को कन्वर्ट कर देता है उसके ओरिजिनल एड्रेस के ऊपर। क्लियर। ISP से हम डोमेन परचेज करते हैं कि हमारी वेबसाइट है और उसको आपने कोई एड्रेस डिफाइन करना है, और उस एड्रेस के ऊपर हमें कोई नेम प्रोवाइड करो जो कि हमारा यूज़र सर्च करें और हमारी वेबसाइट उसको शो हो जाए। क्लियर। ISP को आप सपोज कर लें अपने मोबाइल की फ़ोन बुक जिसमें हम अपने कॉन्टैक्ट को सर्च करते हैं। अब कॉन्टैक्ट को सर्च हम किस दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो उस कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर हम राइट करें, और दूसरा तरीका यह है कि हमने जिस नंबर को सर्च करना है उसका हम नेम टाइप करें जिस नेम से उसको सेव किया। सो फोन बुक ये करता है कि जब हम उस कॉन्टैक्ट का नेम अपने सर्च बार पर टाइप करते हैं तो वो उस कॉन्टैक्ट का नंबर हमें शो करवाता है जिसकी मदद से हम कॉल वगैरह कर सकते हैं। सो ISP भी इंटरनेट के ऊपर सेम यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो आईपी एड्रेस के ऊपर स्टोर होती है सर्वर के अंदर। ठीक है। हम example.com ISP से परचेज करते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का नेम है, तो जब हमारे यूजर
इस नेम को सर्च करेगा तो आपने सर्वर को ये कहना कि हमारी वेबसाइट यूजर को शो करवा दो। ये सब प्रोसेस होने के बाद सर्वर ने क्लाइंट को रिस्पांस करना। अब रिस्पांस करते वक्त सर्वर ने उसको कुछ फाइल सेंड करनी है, वो फाइल्स HTML, CSS और JavaScript होंगी और जो ब्राउजर होगा वो इन तीनों फाइल्स को रेंडर करके हमें एक इंडेक्स पेज शो करवाएगा जो कि एक ब्यूटीफुल पेज हमें नजर आ रहा होगा। बेसिकली वो एक होम पेज होगा। सो उस पेज के ऊपर जो भी आपको डिजाइनिंग टेक्स्ट, जो भी फंक्शनैलिटी आपको नजर आ रही है वो सब की सब HTML, CSS और JavaScript के जरिए हो। अब इन सब को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि HTML, CSS और JavaScript को हम किस तरह राइट करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। ये सब की सब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पर और IP एड्रेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम IP एड्रेस को किस तरह फाइंड कर सकते हैं और IP एड्रेस की मदद से हम वेबसाइट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक वेबसाइट को सर्च करेंगे, web.facebook.com। यहाँ पर मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है web.facebook.com। सो ये मेरा सिस्टम एक क्लाइंट है क्योंकि यहाँ से मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि facebook.com एक वेबसाइट है वो मुझे शो करवाओ, ठीक है। और बीच में आया ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसने ये किया कि हमारी जो facebook.com एड्रेस है उसने कन्वर्ट कर दिया IP एड्रेस के ऊपर। वो IP एड्रेस सर्वर को रिसीव हुआ और उस सर्वर ने उसके मुताबिक हमें रिस्पॉन्स करके इस वेबसाइट को शो करवाया, ठीक है। और यहाँ पर आप फेसबुक देख रहे हैं, ये आप लॉग इन स्क्रीन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड जो हमें दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ हम HTML, CSS, JavaScript और इनके डिफरेंट फ्रेमवर्क को यूज़ करके बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें HTML, CSS, JavaScript और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स राइट हुए हैं। सो इन सब को हम सीखेंगे कि हम ये सब कुछ कैसे राइट करते हैं, लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि हम वेबसाइट की IP एड्रेस को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सो उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करेंगे, डेट इज़ CMD। CMD को एक्सेस करने के लिए हम विंडो प्लस R को प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे CMD एंड देन एंटर प्रेस किया तो हमारे पास CMD ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपने एक कमांड टाइप करनी है, पिंग। जिस वेबसाइट का आपको IP एड्रेस चाहिए उस वेबसाइट का आप एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। मुझे google.com का IP एड्रेस चाहिए, सो यहाँ पर मैं www.google.com टाइप करूँगा। सो यहाँ पर इसने मुझे कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की है, कितने बाइट्स सेंड हो रहे हैं, कितने बाइट्स रिसीव हो रहे हैं और सब कुछ इसने मुझे बताया। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि IP एड्रेस नज़र नहीं आ रहा, तो पहली लाइन के ऊपर आपको नजर आएगा ping.www.google.com और साथ में ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक नंबर नजर आएगा। सो ये google.com का IP एड्रेस है। सो इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, बस आपने उस वेबसाइट की URL यहाँ पर टाइप करनी है तो उस वेबसाइट का आपको IP एड्रेस मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं google.com का IP एड्रेस एंटर करूँ तो मुझे ये सीधा google.com की वेबसाइट पर ले जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उस IP एड्रेस से google.com की वेबसाइट को एक्सेस किया। तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।